नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज हम आपको खबरदार करेंगे सीधे पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, क्योंकि खबरों के केंद्र में यही शहर, यही राज्य है इस समय। लेकिन हम सबसे पहले जरा खबरों के लेंस से देख लेते हैं। खबरदार के लेंस में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो पहली खबर आज हम जिसका विश्लेषण करने वाले हैं वो दरअसल दीदी के टेंशन की एक्सटेंशन की है। क्योंकि आज कोलकाता शहर में ममता बनर्जी के भतीजे की जो पत्नी है उनसे पूछताछ हुई, कैसे खुद ममता बनर्जी का परिवार बीजेपी के लिए एक चुनावी हथियार बन गया है, यह हम आज आपको दिखाएंगे। बंगाल की लड़ाई में बीजेपी जो चाहती थी वो हो रहा है, भ्रष्टाचार से लेकर वंशवाद तक बीजेपी सब तरह के कारतूस फायर कर रही है। पीएम मोदी कल ही तेज हमले करके गए हैं, दूसरी तरफ टीएमसी ने हुगली में मोदी की रैली के बाद उस जगह का शुद्धिकरण कर दिया। बंगाल में पॉलिटिक्स का नया लेवल है, ये विश्लेषण की मांग करता है। इसके बाद आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम भवन में ले चलेंगे, आपको वो जगह दिखाएंगे जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनी धुन और अपना संगीत मिला था। आपको बताएंगे कि अब कैसा है वो घर जहां रहते थे बंकिम चंद्र। ये बंगाल के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बंकिम अध्याय और उनकी राजनीतिक विरासत का विश्लेषण होगा। इसके बाद दिशा रवि की बात करेंगे, इन्हें टूल किट केस में जमानत मिल गई है। आज आपको पता होना चाहिए कि जमानत किस आधार पर हुई, कोर्ट में जमानत देते हुए ऋग्वेद के श्लोक का संदर्भ क्यों आया। एडिशनल सेशंस कोर्ट ने आज जो टिप्पणियां की हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या टूलकिट को एडिट करना अपराध नहीं है, तमाम नागरिक सरकार पर सजग तरीके से नजर रखते हैं, असहमति होने पर उन्हें इस तरह जेल में नहीं डाल सकते, हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता अलग अलग विचारों की विरोधी नहीं है। और आज आपको भारत की उदारता वाली एयर स्पेस में ले चलेंगे, बताएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के घमंड का जवाब पीएम मोदी ने किस उदारता से दिया है, पीएम मोदी की तरफ से किस तरह से एक बड़े दिल का परिचय किया दिया गया है। इमरान खान ने जब श्रीलंका जाने के लिए भारत से रास्ता मांगा तो भारत ने पिछली बातों का बदला लेने के बजाय बड़े दिल वाला फैसला लिया, ये भारत के संदर्भ में एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन शुरुआत हम बंगाल से ही करेंगे, क्योंकि बंगाल में आज सीबीआई ने पूछताछ की है अभिषेक बनर्जी की पत्नी से, यानी ममता बनर्जी की बहू से, और उनसे पूछताछ हुई है कोयला घोटाले को लेकर। लेकिन एक तरफ रख दीजिए इस भ्रष्टाचार को और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक दूसरे हथियार को इसके जरिए निकालना चाहती है, और वो हथियार है वंशवाद का। वंशवाद के हिसाब से किस तरीके से ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, ये बीजेपी अपने लिए एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। सुबह 11:30 बज रहे थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गए। सब हैरान थे क्योंकि आज ही सीबीआई की टीम भी इसी घर में आने वाली थी, अभिषेक की पत्नी रुजिरा से पूछताछ करने वाली थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज ही मुख्यमंत्री भी अपने भतीजे के परिवार से मिलने आएंगी और सीबीआई की टीम के आने से ठीक पहले पहुंचेंगी। बीजेपी ने जले पर नमक छिड़क दिया। शायद उन्होंने कोई ट्रिप्स देने के लिए पहुंचे थे उधर, क्योंकि उनको मालूम है आज सीबीआई पहुंच रहा है, इन्वेस्टिगेशन होगा, इंटरोगेशन होगा, तो उसका पहले उनका और से कुछ सलाह मशवरा दे दे, कम से कम सुविधा हो जाए। भतीजे के घर में दीदी 10 मिनट तक रुकी, बाहर निकली तो एक बच्ची भी साथ थी। ये अभिषेक और रुजिरा की बेटी है। दीदी का मैसेज क्लियर है, वो परिवार के साथ खड़ी है। वो पहले ही बोल चुकी है, रीढ़ तोड़ना आसान नहीं। दिल्लीर कोनो कोनो नेता बांगालीदेर मेरुदंड की करे भेंगे दीते हय आमरा जानी। आमी बोली आसुन ना एकटु चेष्टा करे देखुन ना, अनेकबार तो भेंगे देवार चेष्टा करेछेन, आजो करछेन। आपनादेर धमकानी चमकानी आर जेलटेल देखि प्लीज आमादेर भय देखाबेन ना, आमादेर मेरुदंड भेंगे देवा अत सहज नय। दीदी के लिए टेंशन पहले ही कम नहीं थी, भतीजे के परिवार के घिरने से वो और फंस गई है। दीदी के निकलने के 5 मिनट बाद ही अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंच गई। उनकी पत्नी रुजिरा नरूला से सवाल होने लगे। करीब 1.5 घंटे तक रुजिरा नरूला से सीबीआई ने पूछताछ की। सवाल ये कि कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप मांझी से उनका क्या कनेक्शन है, अनूप मांझी ने उनके खातों में रकम क्यों भेजी। आज का दिन बहुत ज्यादा अलग है, वो इसीलिए क्योंकि आज पूछताछ चल रही है।
आज सीबीआई की पूछताछ यहाँ पर चल रही है अभिषेक बनर्जी की पत्नी के साथ, और इसीलिए आज जब यहाँ पर ये चल रहा है उसमें ममता बनर्जी का अचानक यहाँ पर आकर पहुंच जाना, यहाँ पर एक दूसरा आयोजन चल रहा था जिसके लिए ममता बनर्जी निकली थी और किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो आएंगी, यहाँ पर रुकेंगी और अचानक घर के भीतर दाखिल होके उनसे मुलाकात करेंगी और कुछ देर बाद उनकी बेटी के साथ वो बाहर टहलते हुए निकलती है। यानी कि वो सीधे तौर पर ये दिखाने का प्रयास उनकी तरफ से ये हो जाता है कि वो इस संकट के समय में उनके साथ खड़ी हुई है। कल 3 घंटे रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी। आज रुजिरा नरूला की बारी थी। मामला कोयला तस्करी से अवैध कमाई के लेन देन का है। आरोप यह है कि फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करके कोयला तस्करी की अवैध रकम विदेशी खातों में जमा कराई गई थी। बैंकॉक और लंदन के विदेशी खातों की वजह से रुजिरा नरूला और उनकी बहन मेनका संदेह के घेरे में। जिन कंपनियों के जरिए ये खेल हुआ उनमें रुजिरा की लीप्स एंड बाउंस मैनेजमेंट सर्विस नाम की कंपनी पर संदेह है। लीप्स एंड बाउंस नाम की एक कंपनी अभिषेक बनर्जी ने 2010 में शुरू की। 2012 में अभिषेक बनर्जी ने दूसरी कंपनी लीप्स एंड बाउंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की दूसरी कंपनी शुरू की। 2017 में तीसरी कंपनी शुरू हुई जिसमें अभिषेक की पत्नी रुजिरा और अभिषेक के पिता अमित बनर्जी हिस्सेदार थे। विवाद के बाद अभिषेक बनर्जी इन कंपनियों से हट गए थे, लेकिन किसे अंदाजा था कि चुनाव से ठीक पहले सीबीआई का शिकंजा कस जाएगा और भतीजे के परिवार की वजह से ममता बनर्जी की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। बीजेपी तो बार बार बंगाल में बुआ और भतीजे की बात करती रही और इसे वंशवाद के मुद्दे से जोड़कर दीदी को घेरती रही। अब अभिषेक बनर्जी के परिवार पर सीबीआई के शिकंजे से इस मुद्दे पर बीजेपी को एक्स्ट्रा पावर मिल गई है। दीदी और भतीजा बोलते हैं, अभी चैलेंज कर अमित शाह के फर्स्ट यू कॉन्टेस्ट with Abhishek Banerjee and tell the name। अभिषेक के परिवार पर शिकंजे को टीएमसी बदला पॉलिटिक्स कह रही है, लेकिन अगर चुनावी गेम देखें तो चुनाव का एजेंडा ही बदलता दिख रहा है। बीजेपी ने दीदी को उस मोर्चे पर उलझा दिया है जिसमें उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उन्हें खुद को डिफेंड करना होगा क्योंकि बीजेपी अब बुआ भतीजे और वंशवाद का मुद्दा जोर से उठाएंगी। कोलकाता से पॉल मिसा और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब देखिए, एक तरफ बदलापुर का इल्जाम लग रहा है, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रही है। बंगाल में जो राजनीति है वो शुद्धिकरण तक पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुगली में एक रैली की थी। अब टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो हुगली के उस रैली के मैदान को शुद्धिकरण करने लगे, उसका गंगा जल छिड़क कर उस पर शुद्धिकरण उन्होंने किया। और कहा गया कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ तमाम तरह की बातें की हैं, इस वजह से वहां पर शुद्धिकरण किया जा रहा है, ये बातें बताई गई। ममता बनर्जी को कल हुगली के उसी मैदान पर रैली को संबोधित करना है। दरअसल भीड़ को लेकर, संबोधन को लेकर एक तरफ जो है वो सारा फोकस रहता है कि कितनी भीड़ जुट रही है, कितने लोग आ रहे हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन ये शुद्धिकरण की जो राजनीति है, ये रैली के बाद शुद्धिकरण की जो बात शुरू हुई है, ये दूर तलक जाएगी। लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव का एक मुद्दा संस्कृति और विरासत भी है। यानी कि बंगाल में कौन किसकी विरासत को अपना कह सकता है। अब राष्ट्रवाद की बात आ जाए तो वहां पर टीएमसी का कितना लेना देना होता है। अब प्रधानमंत्री जब हुगली में बोल रहे थे तो उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की बात की, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका जो हुगली में जो उनका निवास रहा है उसका रख रखाव ठीक तरीके से नहीं किया गया है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि अपनी विरासत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अपनी संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमने भी रियलिटी चेक किया है, हमने जाकर देखा है इन इलाकों को कि वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या है। मुझे बताया गया है
कि वंदे मातरम भवन जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। वंदे मातरम सिर्फ इन 2 शब्दों ने गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया था। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं, हम रियलिटी चेक भी दिखाएंगे, अब दिखाएंगे किस हालात में है वो सारी जगह, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर इस समय के दे देते हैं जो कि पामेला ड्रग्स केस में हमारे सामने आ रही है। गिरफ्तारी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश सिंह की, गिरफ्तार हो गए हैं वो पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूर्वी बर्धवान के गलसी से वो गिरफ्तार हुए हैं। बीजेपी नेता राकेश सिंह कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने के लिए उन्हें कहा गया था, लेकिन पेश वो नहीं हुए थे, तो पुलिस को ईमेल करके कहा था कि मैं दिल्ली में हूं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुपम, कहा दिल्ली में हूं लेकिन गिरफ्तारी बंगाल से ही हुई है। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही पूर्वी बर्धवान के गलती इलाके से डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने उनको इंटरसेप्ट किया, गिरफ्तार किया है। और अपेरेंटली पुलिस अभी जो बता रही है कि वो यहाँ से फरार होने की फिराक में थे, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, संभवतः भुवनेश्वर या कहीं और जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस को उनकी सूचना मिली, उन्हें इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया गया है। और मुख्य तौर पर उन पर जो आरोप है, पामेला गोस्वामी ने जो शुरुआत में आरोप लगाए थे कि उनको फंसाने की कोशिश की गई और इसके पीछे राकेश सिंह का हाथ है, और जो ड्रग्स उनकी कार में पाए गए वो राकेश सिंह ने ही रखवाए थे, तो इसी आधार पर उनके खिलाफ उनको पहले सुनवाई के पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, हाईकोर्ट में केस गया। लेकिन उसके बाद जब आखिरकार हाजिर नहीं हुए, पुलिस काफी समय से ही कोशिश कर रही थी उनको इंटरसेप्ट करने की, आज जबकि उनकी गिरफ्तारी से कुछ देर पहले उनके दोनों लड़कों को भी डिटेन किया गया, क्योंकि जब पुलिस दोपहर में उनके घर पहुंची थी राकेश सिंह के, तो दोनों लड़कों ने काफी बाधा पहुंचाई थी, जांच में बाधा पहुंचाने के आरोप में उनको हिरासत में लिया गया, हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है, जबकि राकेश सिंह को इसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया अनुपम इस पूरी जानकारी के लिए। तो राकेश सिंह गिरफ्तार हो गए हैं पामेला ड्रग्स केस, जो लगातार यहां पर एक अहम मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अब हम उस मुद्दे की तरफ वापस लौटते हैं जिस मुद्दे का जिक्र हम कर रहे थे, यानी कि विरासत और संस्कृति। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की विरासत को, उनकी धरोहर को क्या संजोकर रखा गया है या नहीं रखा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया कि टीएमसी ने उसे नहीं संजोया है। टीएमसी की तरफ से जवाब आया कि नहीं, हमने पूरा ख्याल रखा है। अब देखिए, एक हुगली में जगह है और दूसरी जो पुश्तैनी घर है बंकिम चंद्र चटर्जी का, वो है उत्तरी 24 परगना में। हमारे संवाददाता दोनों जगहों पर गए और वहां का हाल आप बिल्कुल, जो रंग है वो काफी पुराना दिख रहा है, छतों की हालत बेहद खस्ता हाल है, और सबसे बड़ी बात है कि रख रखाव की बेहद कमी यहाँ पर नजर आ रही है, बेतरतीब चीजें रखी हुई हैं, कोई भी चीज ढंग से यहाँ पर सही तरीके से नहीं दिखाई पड़ रही है। जबकि ये हेरिटेज भवन है और जहां पर वंदे मातरम की रचना का श्रेय दिया जाता है। कभी यहीं पर बंकिम चंद्र चटर्जी रहते थे, यहीं पर वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया गया था, लेकिन बंकिम चंद्र की जगह पर उनकी विरासत से जुड़ी कोई चीज नहीं है। इतना बड़ा काम जिस भवन में हुआ, जो हेरिटेज बिल्डिंग है, वो ऐसी खस्ता हाल हालत में है जहां पर कुछ भी नहीं है। बंकिम चंद्र की स्मृति से जुड़ी हुई कोई भी चीज यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। दीवारों की हालत खराब है, रंग उखड़ रहे हैं, स्विच बोर्ड की हालत खराब है, जो रख रखाव होना चाहिए था उसका 5% भी यहां पर हालत नहीं देखने को मिल रही है। सिर्फ कहने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पर वंदे मातरम भवन है, यहाँ उनकी विरासत से जुड़ी सिर्फ एक चीज बची है, वो भी किस हाल में है ये भी देख लीजिए। ये जो कमरा है, यहाँ पर वो रहा करते थे, आनंद मठ लिखा उन्होंने, कई और साहित्य की रचना की, लेकिन इस स्थिति में, हालत में ये है कि यहाँ पर पर्यटक आए तो उन्हें बेहद मायूसी देखने को मिलेगी। अब एक चेयर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस चेयर पर बैठकर बंकिम चंद्र यहां पर बैठा करते थे, एकमात्र अगर स्मृति शेष
इस भवन में बंकिम चंद्र का कुछ है तो ये चेयर है, लेकिन इसकी भी हालत बेहद खस्ता है, इसको रिस्टोर करने का कोई भी उपाय नहीं किया गया है। बदहाली की तस्वीरें तो अभी और बाकी है। वंदे मातरम रचने वाले बंकिम चंद्र की विरासत को कबाड़ खाने में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वंदे मातरम भवन के एक और कमरे की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। ये कूड़े का अंबार नजर आ रहा है, ये गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से लग रहा है ये स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया है। पुराने खंबे, पुराने बोर्ड सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। दीवारों की हालत में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दीमक खाई दीवारें, स्विच बोर्ड पूरी तरह से टूटा हुआ है, मकड़ी के जाले भरे पड़े हैं। दीवारों पर रंग रोगन सालों से नहीं हुआ है, कहीं कहीं उचट भी रहा है रंग। ये स्विच बोर्ड देखिए किस खस्ता हाल में है, पूरे मकड़ी के जाले यहां पर भरे पड़े हैं। तो ऐसी हालत है उस वंदे मातरम भवन की जहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने जीवन के 5 वर्ष गुजारे। ये देखकर किसे दुख नहीं होगा, आखिरी बार 2008 में इसका रिनोवेशन हुआ था। क्या विरासतों की ऐसी अनदेखी होती है? वंदे मातरम भवन में तो बंकिम चंद्र की ये तस्वीरें भी ना होती, केयर टेकर ने खुद तस्वीरें खरीद कर लगाई है। देखिए ये भवन जो पहले हम लोग सोच रहे थे कि इस भवन में एक आर्ट गैलरी हो, लाइट एंड साउंड हो, या बंकिम चंद्र के समसामयिक बा बंकिम चंद्र की जो अभी जो है वो सब संग्रह करके यहाँ पर संग्रहालय किया जाएगा, लेकिन उस तो हुआ नहीं। ये जो आप चित्र वाली देख रहे हैं ये सब मैंने अपने रुपए खर्च करके ये लगाया है, क्योंकि जो परिदर्शक आते हैं वो बहुत निराश हो जाते हैं, बोला यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है बंकिम चंद्र को देखने के लिए। इसी बदहाली की बात तो पीएम ने हुगली में की थी, ममता सरकार की खिंचाई की थी, लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि वंदे मातरम की रचना वंदे मातरम भवन में नहीं हुई थी, इसे बंकिम चंद्र ने नैहाटी में लिखा था जो उनका पैतृक घर है, और उनके पैतृक घर को बंगाल सरकार ने अच्छी तरह से संभाला है। हम उत्तर 24 परगना की इस जगह पर भी पहुंचे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अब बंगाल साहित्य के दिग्गज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाने लगी है तृणमूल और बीजेपी के बीच में। जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये कहकर तृणमूल पर निशाना साधा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो आवास है उसका ठीक तरह से देखभाल नहीं हो रहा है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया है ये कहते हुए कि नोईहाटी में जो उनका पैतृक आवास है उसका इतने दिनों से देखभाल पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। उल्टा प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए तृणमूल ने यह कहा कि जो स्पीच उन्होंने हुगली में दिया है वो गलत है और वंदे मातरम का रचना हुगली में नहीं बल्कि उनके इस पैतृक आवास नैहाटी में हुआ है। नैहाटी में बंकिम चंद्र चटर्जी का पुश्तैनी घर बहुत बड़ा है। 2 बीघा जमीन पर बने इस घर में म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, रिसर्च सेंटर है। हमने बंकिम चंद्र का वो कमरा देखा जहाँ बैठ कर उन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। इसी वजह से अब टीएमसी खुद को डिफेंड कर रही है और प्रधानमंत्री पर पलटवार भी कर रही है कि प्रधानमंत्री ने गलत बात की है, बंकिम चंद्र का पैतृक आवास सरकार ने अच्छे से संभाला है। ये था पुराना बिल्डिंग और प्रेजेंट हालत क्या है आप तो खुद ही देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने झूठ बताया, वो जो वंदे मातरम हाउस है वो भी अंडर द चुचुरा म्यूनिसिपालिटी, उसको जो केयर टेकर है वो चुचुरा म्यूनिसिपालिटी उसका सैलरी देता है। उसमें एक आर्ट फोरम है, हुगली चुचुरा आर्ट फोरम, हर साल वो उधर एक एग्जीबिशन होता है, 15 अगस्त उधर प्रोग्राम होता है, एवरी ईयर एवरी डे वो पब्लिक के लिए खुला है। प्रधानमंत्री आया, स्पीच दिया, लेकिन उधर जाने के लिए उसका कोई फुर्सत नहीं मिला। बंकिम चंद्र की इस विरासत को देखने बीजेपी के सांसद भी पहुंचे। उन्होंने ये बात मानी कि ये जगह वेल मेंटेन है लेकिन इस पर और काम करना चाहिए, राष्ट्रवाद से जुड़ी विरासत को तीर्थ स्थान की तरह बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्थिति बेहतर है, मैं बोलूँगा वेल मेंटेन है, और लेकिन हुगली वाला जो है और इसमें कॉन्ट्रोवर्सी है कि कहाँ पे वंदे मातरम का जो रचना हुआ। वंदे मातरम ऐसा एक मंत्र बना बाद में जो उसने पूरे देश को जगा दिया, उस हिसाब से हम अभी भी पीछे हैं।
मुझे लगता है कि ये तीर्थ क्षेत्र जैसा एक बनना चाहिए, राष्ट्रवादी लोग जो है उनके लिए एक तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए, लोग आने चाहिए और एक बड़ा चीज यहाँ पे होना चाहिए कि इसको हम पूरे इंडिया के टूरिज्म के मैप में इसको लेके आए। इसी जगह पर 25 फरवरी को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी की विरासत पर ये नई राजनीतिक लड़ाई है जिसमें चुनाव से पहले बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, हुगली आज तक। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये स्वतंत्रता संग्राम का सबसे सशक्त सबसे ताकतवर नारा था। वंदे मातरम जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। बहरहाल हम आपको बंकिम चंद्र चटर्जी की शख्सियत के कुछ अहम पहलू दिखाते हैं जिससे आपको ये पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर खबरों में ये इतने ज्यादा क्यों इस समय आपको नजर आ रहे हैं। बंकिम चंद्र के जिस उपन्यास आनंद मठ में ये गीत लिखा गया वो 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। उपन्यास में एक काल्पनिक हिंदू मठ की कहानी है जो मुस्लिम शासक के खिलाफ विद्रोह करता है। इस उपन्यास में भारत देश की कल्पना भारत माँ के तौर पर की गई है। वंदे मातरम को 1882 में लिखा गया था लेकिन 1905 में बंगाल को जब धार्मिक आधार पर अंग्रेज बांटने लगे तो वंदे मातरम एक जयघोष बन गया। बाद में आजादी के नारों में यह शामिल हुआ। अंग्रेज इस उपन्यास और वंदे मातरम से इतने डर गए कि उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसी वंदे मातरम पर धार्मिक आधार पर वोट बैंक की राजनीति भी होती रहती है। वैसे तो बंकिम चंद्र आजीवन ब्रिटिश राज में नौकरी करते रहे लेकिन उनकी लेखनी किस तरह क्रांतिकारियों, लेखकों, विचारकों की प्रेरणा बनती रही इसे सिर्फ इस बात से समझिए कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उनकी मैगजीन बंग दर्शन से प्रेरणा पाते थे। 1872 में जब इस मैगजीन की बंकिम चंद्र ने शुरुआत की तब गुरुदेव 11 साल के थे। 1820 के दशक के आखिरी वर्षों में मैगजीन छपना बंद हो गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु के 7 साल बाद गुरुदेव ने 1901 में बंग दर्शन को फिर से शुरू किया। बंकिम चंद्र ने बंगाल में राष्ट्रवाद को आवाज दी थी और उसे राष्ट्रीय पहचान दी थी लेकिन आनंद मठ की पृष्ठभूमि के आधार पर उनका धार्मिक नजरिए से विरोध भी हुआ था। ऐसे में बंगाल की मौजूदा राजनीति में बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम बहुत अहम हो जाता है। वैसे बीजेपी ने बंकिम चंद्र के साथ साथ बंगाल के अन्य नायकों को याद करने में चूक नहीं की है। इन दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, खुदीराम बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जानकीनाथ बोस, इन सभी महापुरुषों का नाम प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम जितने भी नेता हैं वो सब ले रहे हैं। हमने बंगाल की राजनीति की बात की है लेकिन अब जरा जो 26 जनवरी को हिंसा हुई थी और उस हिंसा के बाद जिस तरीके से एक टूल किट के जरिए साजिश फैलाने का आरोप लगाया था हम उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत तल्ख टिप्पणियां हुई हैं। दिशा रवि को जिस तरीके से जमानत दी गई उस दौरान बहुत तल्ख टिप्पणियां हुई हैं। अदालत ने क्या क्या कहा गया है वो सारी चीजें हम आपको क्रमवार दिखाते हैं। दरअसल दिशा रवि को इस पूरे मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लगे कि दिशा रवि अलगाववादी विचार रख रही थी। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं साबित होता कि दिशा रवि और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के बीच कोई लिंक है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या नुकसान न पहुंचाने वाली टूलकिट का एडिटर होना अपराध नहीं है। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा रवि को 1,00,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड और 1,00,000 रुपयों के 2 श्योरिटी अमाउंट्स पर जमानत देते हुए कहा कि आरोपी का कोई आधिकारिक इतिहास नहीं है। तो दिशा रवि की गिरफ्तारी के साथ ही जो दिल्ली पुलिस ने मामलों को अंतर्राष्ट्रीय साजिश कहा था लेकिन दिशा रवि के जमानत आदेश में दिल्ली की कोर्ट ने कहा कि टूल किट में हिंसा के लिए भड़काने की बात नहीं है। जज धर्मेंद्र राणा ने आगे कहा कि मेरे गहरे विचार में किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार को राह दिखाने वाले होते हैं, वो सिर्फ इसीलिए जेलों में नहीं भेजे जा सकते क्योंकि वो सरकार की नीतियों से असहमत हैं। देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मरहम लगाने के लिए नहीं थोपा जा सकता। विचारों में मतभेद, असहमति, यहां तक कि नापसंद करना भी सरकार की नीतियों में निष्पक्षता लाने के लिए मान्य तरीके हैं। जागरूक और अपने विचारों को लेकर सजग नागरिक हों तो ये उदास और हां में हां मिलाने वाले नागरिक के मुकाबले स्वस्थ और समृद्ध लोकतंत्र की पहचान है, ये कहा गया। कोर्ट ने कहा कि 5000 साल से भी ज्यादा समय से हमारी सभ्यता अलग अलग विचारों का हमेशा सम्मान करती रही है। अदालत ने ऋग्वेद के एक श्लोक का
यहाँ पर संदर्भ दिया, जिसका अर्थ ये होता है कि हमारे पास चारों ओर से कल्याणकारी विचार आते हैं, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके और अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों। कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों के बाद अब दिल्ली पुलिस पर नैतिक दबाव बढ़ना तय है और पुलिस अगर टूलकिट केस को आगे बढ़ाएगी तो किस आधार पर और किस तरह, ये देखना अहम होगा। अब जरा हम पाकिस्तान को सिर्फ आईना नहीं बल्कि पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने वाली खबर के बारे में आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करके आगे जाने की जरूरत थी तो पाकिस्तान ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, यह हुआ छोटा दिल। लेकिन अब इमरान खान को जाना है श्रीलंका और श्रीलंका जाने के लिए उन्हें भारतीय हवाई स्पेस का इस्तेमाल करना ही होगा। भारत की ओर टकटकी लगाकर देखा गया, गुहार लगाई गई और भारत की तरफ से कह दिया गया हाँ, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है, उसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से होती है कूटनीति और कैसे निभाई जाती है दुश्मनी, जो कि हम अपने सरहदों पर निभाकर और अपनी पाकिस्तान नीतियों के जरिए उसे दिखाते रहते हैं। लेकिन यहां पर एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया गया। हम वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान को इजाजत नहीं दे, नहीं दे, नहीं दे। नरेंद्र मोदी वो जाना चाह रहे हैं जर्मनी, वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान को इजाजत नहीं दे, नहीं दे। याद कीजिए 19 सितंबर 2019 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की ये ठसक, ये घमंड। याद कीजिए इमरान के विदेश मंत्री की ये अकड़, ये छोटी सोच का प्रदर्शन। ये अंदाजे बयां देखिए, इनका कतराना देखिए। शाह महमूद कुरैशी अपने बॉस इमरान खान के अड़ियल रवैये का ढिंढोरा पीट रहे थे और कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के विमान को पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान की वो एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाह रहे थे 20 तारीख को। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया घूमता रहता है, तब भारत को थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस की जरूरत थी तो इमरान खान ने छोटा दिल दिखाया और अब जब इमरान खान को हिंदुस्तान के एयर स्पेस से गुजरने की जरूरत पड़ी तो भारत ने बदला लेने के बजाय बड़ा दिल दिखा दिया। कूटनीति की दुनिया में इससे बेहतर तमाचा क्या होगा? रास लिए चलते हैं कोलंबो, जहां वजीर आजम इमरान खान का दौरा श्रीलंका। कोलंबो हवाई अड्डे पर इमरान खान के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का भी एहतमाम किया गया है, तैयारा उनका। प्रधानमंत्री मोदी को 19 सितंबर 2019 को हाउडी मोदी कार्यक्रम के लिए अमेरिका जाना था, तब पाकिस्तान ने इजाजत नहीं दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 7 सितंबर 2019 को आइसलैंड, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड, इन तीन देशों के दौरे पर जाना था और तब भी पाकिस्तान ने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। आज इमरान खान को श्रीलंका पहुंचना था, उन्हें भारत की मदद की जरूरत थी। इमरान के मन में ये बात जरूर होगी कि भारत चाहे तो एयर स्पेस देने से मना कर सकता है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए इमरान को इजाजत दे दी। बशीर बद्र का शेर है, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आज भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के फैसले ने पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया। चीन को श्रीलंका में मजीद सरमायादारी करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरिया दिली दिखाई, जिसके बाद इमरान खान का एयरक्राफ्ट भारतीय एयरोस्पेस में दाखिल हुआ और तय वक्त पर कोलंबो पहुंचा। बिछा हुआ था, दरवाजा खुल गया है, बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, आला सतह। शाम करीब 4:10 पर 2 घंटे का सफर तय करके जब इमरान खान श्रीलंका में 21 तोपों की सलामी ले रहे थे, तब उनके दिलो दिमाग में ये बात जरूर घूम रही होगी कि भारत हर लिहाज से बड़ा देश है, इंडिया वाले बड़े दिल वाले हैं। इमरान खान इस्लामाबाद से उड़े और हिंदुस्तान के ऊपर से उड़ते हुए कोलंबो पहुंचे। अगर भारत इजाजत नहीं देता तो इमरान खान को लंबा चक्कर लगाकर श्रीलंका पहुंचना पड़ता, वक्त भी ज्यादा लगता और कई अन्य। हम खबर की पूरी पिक्चर बताते हुए आपको ये समझाते हैं कि जो एयर स्पेस होता है, जिसकी इजाजत हिंदुस्तान ने दी है पाकिस्तान को इमरान खान को, वो एयर स्पेस क्या होता है। तकनीकी तौर पर आसान शब्दों में शिकागो कन्वेंशन के अनुसार संप्रभुता के सिद्धांतों से चलने वाले हर देश का अपना आसमान
होता है, अपना आसमान पर अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के अनुसार अगर कोई देश मना करे तो जबरन उसकी वायु सीमा में नहीं घुस सकते। अगर वो अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देता है तो हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने लैंड करने की इजाजत होती है। अगर विमान किसी देश की सरकार का हो तो फिर सैन्य विमान हो उसे वायु सीमा में घुसने से पहले राजनयिक अनुमति लेनी होती है। समुद्र की बात करें तो हर देश की जमीन से समुद्र के ऊपर 22 किलोमीटर तक का इलाका उस देश का माना जाएगा, यानी इन इलाकों में समुद्र के ऊपर उड़ान पर भी संबंधित देश से इजाजत लेनी पड़ती है जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र का भी इलाका आता है। और अब खबरदार में व्यापार जगत की खबरें देखते हैं। फ्यूचर ग्रुप और अमेज़न का जो विवाद है वो किस मुकाम पर खड़ा है आपको दिखाते हैं। क्या फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच डील अटक सकती है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस डील पर रोक लगा दी है। अमेज़न की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिलायंस और फ्यूचर डील पर जवाब मांगा है। इस डील पर अमेज़न के अड़ंगे से बिग बाजार समेत फ्यूचर ग्रुप में काम करने वाले और इससे सप्लाई चेन के तौर पर जुड़े 11 लाख लोगों का भविष्य अधर में लटक गया है। रिलायंस इस डील को परस्यूड करे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके बीच बहुत से ज्यादा 6-7 हजार करोड़ रुपए लगे हुए हैं, वो कुछ और पैसा फ्यूचर ग्रुप को दे के इस बिजनेस को चालू रखने की बहुत सर्वोत्तम कोशिश करे, जिससे हजारों बेरोजगार होने से बचेंगे और बैंकों का मुनाफा हो, बैंकों के पैसे भी बचेंगे, इसमें एनपीएस नहीं होंगे। हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनपे डिपेंडेंट लाखों एम्प्लॉइज हैं, उन सबकी लाइवलीहुड का इशू है, लाइवलीहुड खतरे में है, लाइवलीहुड खत्म हो जाएगी। दरअसल फ्यूचर ग्रुप के सहारे वित्तीय संकट में डूबे जाने से कंपनी के दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया था। इससे कंपनी में काम कर रहे और सप्लायर्स के तौर पर जुड़े लाखों कर्मचारियों की आज केवल रिलायंस के साथ होने वाले सौदे पर थी। बीते अगस्त में करीब 24 हजार करोड़ की ये डील हो गई थी, लेकिन इसके बाद फ्यूचर कूपन्स में 1500 करोड़ के निवेश का हवाला देकर अमेज़न ने सिंगापुर की एट्रिब्यूशन कोर्ट में मामला दायर कर दिया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में सौदे को रुकवाने के लिए अपील की। इस बीच सीसीआई और सेबी ने इस सौदे को मंजूरी दे दी। इस डील के होने से अमेज़न को रिटेल सेक्टर में अपने बढ़ते दबदबे को कमजोर पड़ने की आशंका है। वहीं रिलायंस इस सौदे के पूरा होने से ई कॉमर्स सेक्टर में अमेज़न के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है, जबकि एफडीआई नियमों के तहत अमेज़न फ्यूचर ग्रुप को खरीदने का मंसूबा पूरा नहीं कर पा रहा है। जिन कूपन्स की वजह से अमेज़न ने आपत्ति लगाई है, इस पर ईडी ने भी जाँच शुरू कर दी है, लेकिन इस सारे विवाद में लाखों कर्मचारियों का रोजगार संकट में आ गया है। फ्यूचर ग्रुप के देश भर के 450 शहरों में 2000 स्टोर्स हैं, जो डील न होने और कोई खरीदार न मिलने पर बंद हो सकते हैं। इससे फ्यूचर ग्रुप में काम करने वाले 60,000 और प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स के 10 लाख कर्मचारियों के रोजगार पर संकट आ सकता है। कंपनी के करीब 6,000 वेंडर्स, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का फ्यूचर ग्रुप पर 6,000 करोड़ का बकाया है, जो डील न होने की वजह से डूब सकता है। साथ ही आगे के लिए एक जमा जमाया कारोबार खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा बैंकों का भी फ्यूचर ग्रुप पर करीब 18,000 करोड़ बकाया है, जो समाधान न निकलने पर एनपीए बन सकता है। सप्लायर्स का कहना है कि कोरोना काल में पहले से ही कारोबार संकट में है, अगर इसका समाधान न निकाला गया तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इस डील के ना होने से हमारे मेंबर्स को बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो माल वो सप्लाई करते थे उनकी पेमेंटें रुक गई हैं। फ्यूचर रिटेल उनकी पेमेंट नहीं कर रहा है और जो पेमेंट उनकी रुकी हुई है उस पर इंटरेस्ट हमारा मेंबर बैंक को दे रहा है, इससे उनको दोहरी मार पड़ रही है। जितनी ज्यादा देरी हो रही है इस डील में, उतनी ज्यादा डर की जो स्थिति है वो दोबारा से पैदा हो गई है कि कहीं हम दोबारा बेरोजगार ना हो जाए। आज का तारीख में सभी चिंतित इस विषय को लेकर है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। हाल ही में अमेज़न पर चुनिंदा रिटेलर्स को फायदा पहुंचाने के आरोप लगने से भी उसकी साख पर सवाल उठे हैं। व्यापारी संगठन तो लगातार अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर एफडीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं। अब देखना यही है कि अमेज़न की इस सौदे को रुकवाने की कोशिश क्या वाकई लाखों लोगों के रोजगार पर भारी पड़ेगी, या इसका नतीजा जो भी निकलेगा उससे कर्मचारियों का भविष्य हर हाल में सुरक्षित रहेगा। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार भारी भरकम बजट पेश किया है, आइए आपको दिखाते हैं किस सेक्टर के लिए क्या है।
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यूपी सरकार का बजट बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। यूपी सरकार ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी के लिए सौगातों का पिटारा खोला है, उससे राज्य के पूरे रियल एस्टेट को बड़ा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ ही गाजियाबाद और आगरा को मिलेगा। दरअसल अब जेवर एयरपोर्ट में रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। इसके बाद ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए यूपी सरकार ने दिल खोलकर खर्च करने का ऐलान किया है। हम सब जानते हैं कि बजट का आकार इस बार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2020-21 के बजट से 37,410.06 करोड़ रुपए यानी 7.3% अधिक है। इंफ्रा के लिए किए गए इन ऐलानों से रियल एस्टेट को बड़ा फायदा मिलना तय नजर आ रहा है। जेवर एयरपोर्ट के लिए किए गए ऐलान तो इसके आसपास के इलाकों की तकदीर बदलने को तैयार नजर आते हैं। बजट में किए गए ऐलानों के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगी। जेवर एयरपोर्ट के लिए बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए भी 101 करोड़ का प्रावधान यूपी सरकार के बजट में किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 10 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की योजना है। इसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर इन ऐलानों को एक बड़े मौके के तौर पर देख रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश का प्रॉपर्टी मार्केट नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार नजर आता है। आने वाले 3-4 सालों में जो डेवलपमेंट होगी, जो खर्चा होगा, इससे पैसा रोटेट करेगा और हजारों लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगे। और आने वाले समय के अंदर में स्टेट के अंदर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो जाएगा तो बहुत ही बिजनेस ग्रो करेगा। और हमारा इंटरेस्ट रियल एस्टेट में होता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ग्रो करता है तो मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट भी इसके साथ बहुत ग्रो करेगा। जेवर में जो एयरपोर्ट आने वाला है, इससे मैं समझता हूँ कि आसपास की जितनी एरियाज हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जो टच करती है, यमुना एक्सप्रेसवे को टच करती है, ये सारी की सारी रियल एस्टेट में अच्छा उछाल लेके आएंगी और बहुत जॉब क्रिएशन होंगी। तो ओवरऑल हम देखें तो हाउसिंग के लिए और रियल एस्टेट मार्केट के लिए ये बजट एक काफी फायदेमंद साबित होगा, बिकॉज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो लोग कहीं भी जाके रहना भी पसंद कर सकते हैं, बिकॉज उनकी कनेक्टिविटी शहरों के साथ होनी बहुत जरूरी है। उसी के साथ में वहाँ पे इंस्टीट्यूशन डेवलप होते हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, एंड अगर स्मार्ट सिटी हो जाएगी तो आज का एक नया नारा है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान को डिजिटल बनाना है। इस बजट में प्रदेश भर में मेट्रो और एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए भी जमकर ऐलान किए गए हैं। कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो के लिए 478 करोड़ रुपए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए 1,326 करोड़, गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 489 करोड़ और गंगा एक्सप्रेसवे की जमीन के लिए 7200 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1,492 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1,107 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। उम्मीद है कि इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट के कई नए डेस्टिनेशंस उभर कर आएंगे। हालांकि ये भी तय है कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए डेवलपर्स को ग्राहकों का भरोसा जीतना होगा। अगर वो इसमें कामयाब रहे तो फिर ये बजट डेवलपर्स और निवेशकों के साथ साथ घर खरीदने वालों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। आदित्य किराणा के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।